हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इडबी बैंक के द्वारा जो नई वैकेंसीज निकाली गई हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जो कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसके बारे में हम लोग आज लोग डिटेल में बात करेंगे। एप्लीकेशन जो आपको शुरू हो चुका है वो 24 मई से 2023 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 7 जून 2023 है। सीबीटी एग्ज़ाम जो है वो आपका 2 जुलाई 2023 को होगा, और जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 200 फीस जो है आपको पे करनी है, और ये सब मोड्स ऑफ पेमेंट है, इसे आप पे कर सकते हैं फ़ीस को। वैकेंसीज़ जो इस पोस्ट के लिए हैं वो टोटल वैकेंसीज 1036 हैं, जैसे कि ओबीसी के लिए 255 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 है। आप इस टेबल में देख सकते हैं सब हर कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज दी हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो एज है इसमें दिया गया है वो मिनिमम एज 20 इयर्स होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम जो है वो 25 इयर्स होनी चाहिए। कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 मई 1998 से लेके 1 मई 2003 के बीच में होना चाहिए, तो ही आप इस एग्ज़ाम के फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और सिर्फ एक डिप्लोमा कोर्स पास करने से ही आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में आप देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका, इसमें पहला जो है वो ओटी है, ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, इन सब उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला जो है वो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 60 रहेंगे, मार्क्स जो है वो 60 है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 40 मार्क्स का ये भी है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेंगे, जिसका मार्क्स जो है वो 40 है, पर क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स के होंगे। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर आईटी, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 होंगे, जिसका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपका 60 है। इस इन चारों सेक्शंस को करने के लिए आपको कॉम्पोजिट टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का। अलग अलग सेक्शन वाइज इसमें टाइमिंग नहीं दी गई है, आपको 2 घंटे में ही ये पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बाकी जितने भी 3 सब्जेक्ट्स हैं वो सब इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके पेपर्स होंगे। उसके बाद चारों टेस्ट में आपको अलग अलग क्वालिफाई होना पड़ेगा, जो भी मतलब कट ऑफ मार्क्स जो डिसाइड किया जाएगा बैंक के द्वारा, उन चारों टेस्ट में आपको अलग अलग क्लियर करना पड़ेगा कट ऑफ मार्क्स, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है वो क्वालिफाई होंगे। रॉन्ग आंसर्स के लिए जो पेनल्टी है, अगर आपने कोई एक क्वेश्चन अगर अपना गलत कर दिया है तो जो भी मार्क्स क्वेश्चंस के लिए जो मार्क्स असाइन किया गया है उसमें से 1/4 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसके लिए आपका कोई भी मार्क्स जो है डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद जब आप ओटी में क्लियर हो जाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि एलिजिबल होंगे नेक्स्ट आगे जो प्रोसेस है उसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो उनके जो भी हायर ऑर्डर ऑफ मार्क्स होंगे और उनकी जो एज है रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी के हिसाब से, उस बेसिस पे उनको जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स के, फिर वो आप नेक्स्ट रिस्पेक्टिव स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपके जो भी कैटेगरी वाइज जो आपके फाइनल मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद इस पोस्ट के लेके ये जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो कि जब आपकी ये इसके लिए आप मान लीजिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो पीरियड स्टार्ट होगा वो 1 साल का होगा पहले, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, और ईयर टू ईयर बेसिस पे ये रिव्यू होके एक्सटेंड किया जाएगा आपका जो टाइम पीरियड है, मतलब पोस्टिंग की जो टाइम पीरियड है। जैसे ही आप 3 साल का जो पीरियड है वो कंप्लीट कर लेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि ग्रेड ए की पोस्ट है, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और फिर आप बैंक के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर का एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो कि बैंक कंडक्ट कराता है, फिर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करके उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर जा सकते हैं। और जब आप ये कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में होंगे तो उसके लिए आपको एक फिक्स्ड जो है रिन्यूमरेशन मिलेगा आपको। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका फिक्स्ड जो पेमेंट आपको मिलेगी वो है 29,000 जो पर मंथ मिलेगी आपको, सेकंड ईयर में 31,000 है, और थर्ड ईयर में 34,000 जो है वो आपको फिक्स्ड पेमेंट मिलेगी पर मंथ। और जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में होंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह का अलाउंस या बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलेंगे इसमें, जैसे कि डियरनेस अलाउंस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है तो इसमें आपको ये सब अलाउंस जो है वो नहीं मिलेंगे। जैसे कि सुपर एन्यूएशन बेनिफिट्स होता है, ग्रेच्युटी होता है, प्रोविडेंट फंड, ये सब इस सब का कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें 3 साल तक। फिर आप जैसे ही
आप मान लीजिए 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप किसी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में आप जाते हैं या फिर रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाते हैं उस बैंक में, तो आप जो है वो इडबी बैंक लिमिटेड न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो है वो आपको कवर किया जाएगा, आपको कवर किया जाएगा। तो इससे आपको उस बेसिस पे आपको पेंशन्स भी मिलेंगी और रेगुलर बेसिस पे जो सैलरीज मिलती है वो मिलेगी, तो आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। उसके बाद 3 साल तक आपकी जो है वो जॉब रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। तो ये इस पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।